बिस्तर पर और रसोई की स्लैब पर कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कई लोग अपने बेड को झाड़ू से झाड़ देते हैं, कई लोग रसोई की जो स्लैब होती है जिस पर गैस रखी है, बर्तन रखे हैं, उसको भी झाड़ू से झाड़ लेते हैं। तो बहुत ध्यान देना है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ झाड़ू का स्पर्श अनुचित है, जैसे मंदिर में, मंदिर की चौकी पर, और जो आपकी स्लैब है जहाँ आपका भोजन बनता है, जहाँ आपका रोटी बनाने का चकला रखा जाता है, कितनी महत्वपूर्ण जगह है वो, जहाँ आपकी घर की रोटी बिल रही है, आपके घर की रोटी सिक रही है, वहाँ झाड़ू का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस बिस्तर पर आप सोते हो, जिस टेबल पर आप भोजन करते हो, इनमें से किसी भी जगह पर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इनको कपड़े से हमेशा झाड़ना चाहिए। अगर आप झाड़ू से इन स्थानों को झाड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी श्री नष्ट होती है, आपके घर में क्लेश होता है और इसको अशुभ माना जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप सुबह सुबह उठते हो और जगते ही सबसे पहले फ्रेश होने के लिए जाते हो या अंगड़ाई लेते हो, उससे अच्छा है कि सुबह सुबह जब आप उठो तो सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों का दर्शन करो, उसके बाद धरती को प्रणाम करो, और उसके बाद गायत्री फ्रेश होने के लिए जाओ। फिर स्नान करके गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र को 5-5 बार जरूर बोलो, तो इससे आपकी जो भोर है वो बहुत मंगलमय होगी और निश्चित रूप से आपके लिए पूरा दिन एक क्रांतिकारी दिन साबित होगा। क्योंकि एक एक दिन मिलाकर आपकी ज़िंदगी का वो क्षण आता है जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा कर पाते हैं। इसीलिए ये महत्वपूर्ण बात थी।